हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है वर्क फ्रॉम होम का। हर एक लोकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं, मींस इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप में आप आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारी नई डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। इससे पहले चैनल पे मैंने 1 से 2 वीडियोस अपलोड की हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम की चल रही है, इस वजह से आपके सबके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। चैनल पे आप फर्स्ट और सेकेंड नंबर पर वीडियो ज़रूर से चेक कर लेना। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो बाकी वीडियोज़ को भी चेक ज़रूर कर लेना। मैंने प्ले लिस्ट हर एक की बनाई हुई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की। ये जो रिक्रूटमेंट आई हुई है प्योरली आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी एज कैटेगरी में आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं। सो अप्लाई आपको किस तरह करना है वो भी बताऊंगी। आप इसमें 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको बताऊंगी 1 by 1। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ, इसमें आपको ना तो कोई एग्ज़ाम होगा, पहले भी नहीं होता है, अभी भी नहीं होगा, ना तो आपको कोई फ़ी पे करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है। बिकॉज कंपनी भी कभी भी आपको पे करने के लिए नहीं बोलती है, बिकॉज वो आपसे काम ले रहे हैं तो आपको उसके लिए आप वो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इन्होंने 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। वहाँ पे HR की डायरेक्ट ईमेल ID मेंशन है। आप उनको डायरेक्ट अपना रिज्यूम भी अपना सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन की भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करके आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पाएंगे अप्लाई नाउ की। वहाँ पर आप क्लिक करके सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी सिंपली आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब आपने पास आउट की है एंड जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर भी आपको अपना रिज्यूम अपलोड करके सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको आपके इसमें इंटरव्यू होने वाली है जो कि ऑनलाइन होने वाली है। तो हर कोई एलिजिबल है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हर कोई कैंडिडेट एलिजिबल है, कोई एज की इसमें बाउंडेशन नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है। बट उससे पहले डिस्कस करते हैं किस कंपनी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है हेक्सावेयर की तरफ से आई हुई है। बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्योरली आपका वर्क फ्रॉम होम इसमें रहने वाला है और जॉब भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी रहने वाली है। सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं इसमें आपका पैकेज क्या रहने वाला है और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आपका जो पैकेज रहने वाला है वो रहने वाला है 3.5 लाख तक, जो कि आपकी अराउंड 25,000 बनती है। और एज पर नॉर्म्स, जो भी कंपनी के नॉर्म्स हैं, एक एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो आपको साथ में दिए भी जाएंगे। इसके अलावा आपका इसमें क्या वर्क रहने वाला है, इंपॉर्टेंट ये है। मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, इवन हर कोई इस जॉब को कर सकता है। तो इसमें आपको कस्टमर्स को ईमेल या फिर चैट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। आपको एस्केलेशन एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो है वो हैंडल करनी है। आपको कॉल्स भी हैंडल करनी पड़ सकती है इसमें, ताकि आप कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड अपडेट कर सके। जो कि ऑर्डर होते हैं आपको लेने हो सकते हैं, या फिर जो ऑर्डर है वो कैंसलेशन से रिलेटेड कॉल्स हो सकती है, वो आपको अटेंड करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपका जो वर्क है आपको प्रोफेशनली तरीके से करना है, मीन्स आपको प्रोफेशनली टीम वर्क करना होगा और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आप में होने चाहिए। इसके अलावा ईमेल एंड चैट जो है वो भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विसेज अप्रोच आपको रखनी है,
ताकि वर्क अच्छे तरीके से हो सके, और जब आप एक्सटर्नल या फिर इंटरनल पीपल के साथ डील कर रहे हैं उस वक्त आपको अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है। तो आपने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जॉब है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्या क्या स्किल्स इसमें आपके लिए रिक्वायर्ड है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अगर आप SSC रेलवे या बैंक के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट एन अकेडमी, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस चल रही हैं, आप मेरा कोड जरूर यूज़ कर लेना तानिया TANYA, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं TANYA, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेक करके ज़रूर से आप एनरोल कर लेना। अभी हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, जो कि हेक्सावेयर की है। अब हमारा स्टेप है जो स्किल्स क्या इसमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आप में जो है मल्टीटास्किंग स्किल्स होने चाहिए, और टाइम को किस तरीके से आपको मैनेज करना है आपके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस अप्रोच होनी चाहिए, पीपल के साथ डील किस तरह से करना है, किस टाइम पे करना है, तो ये स्किल्स आप में होने चाहिए। और टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज किस तरह आप कर सकते हैं वो स्किल्स आप में यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप एक्टिव लिसनिंग होने चाहिए, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होने चाहिए। इसके अलावा आप में गुड एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, इसके साथ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स आप में रिक्वायर्ड हैं, और मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। इसके अलावा प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको घबराना है या आप हाइपर हो जाए, मीन्स आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। और थोड़ा बहुत प्रेशर तो हर एक जॉब में होता ही है, थोड़ा बहुत प्रेशर अगर आ भी जाता है तो आप उसको हैंडल कर पाए, ये स्किल्स यहाँ रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट बात आती है इसमें एलिजिबिलिटी की, तो आप में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आपने की है, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी लोकेशन से आप हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ये भी बाउंडेशन नहीं है कि आपने कब से पास आउट किया है या फाइनल ईयर, अप्लाई नहीं कर सकते, हर कोई अप्लाई कर सकता है। चाहे आपने कभी भी अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है या आप अभी फाइनल ईयर में है, तब भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने चैनल पे 1 से 2 वीडियो अपलोड की हुई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ज़रूर से उसको चेक कर लेना, अगर आप उसके लिए भी एलिजिबल है अप्लाई आपको ज़रूर करना है। बाकी इससे रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई आपको ज़रूर से कर लेना है। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।